मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आ चुके खतरनाक डुअर रैंक पर स्पीडो के संग। उससे पहले गाइस्टो के अंदर आपकी क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब कल के टाइम में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था गाइस, उसके लिए ऑलरेडी सॉरी कि उसे जरूरी काम से मेरे को बाहर जाना था। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट इस वाले वीडियो के अंदर अपन सारे टॉपिक की बात करेंगे जो जो आपका कमेंट आता है। जहाँ पे जो आपका पहला कमेंट है भाई प्लस देखने को नहीं मिलता, उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो लेके आओ, तो इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले गाइस प्लस आपके तीन चीज़ों पे डिपेंड होता है, पहले आपका किल, दूसरा आपका सर्वाइव और तीसरी आपकी लोबी का। आप कौन सी लोबी में खेल लो, अगर लोबी में ज़्यादा बॉट है आपको लगेगा भाई यार ये लोबी में दम नहीं है तो वहाँ पर आपको कम प्लस देखने को मिलेगा। पर जहाँ पर बंदे अलाइव हो लास्ट तक अच्छे से और लोबी में कम बॉट देखने को मिले तो गाइस वो एक प्रॉपर रैंक पुशर लोबी हो सकती है। तो लोबी का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। अभी के लिए अपन आगे साइड जाते हैं, नीचे से दो बंदों को साउंड आता है और सामने अलग बंदा होता है। जो अपन को बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक बॉट है और तभी बंदे का रश आता है जहाँ पे इस बंदे को थोड़ा डैमेज देता हूँ और तभी टीममेट इसको नॉक कर देता है और बहुत ही आराम से इस बंदे को मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब बात थी इसके सेकंड बंदे की जिसका साउंड ऊपर से आ रहा था, पर अभी मेरे हाथ में DVS होती है तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही होता है। और बहुत ही आराम से इस बंदे को यहाँ पे नॉक करके हाथों हाथ फिनिश कर देते हैं। अब प्लस निकालने का जो दूसरा चीज़ होता है कि भाई आप लोग टॉप 10 तक तो जाना होगा हर गेम, पर वहाँ पे अगर आपके किल अच्छे होंगे तभी आपको अच्छा खासा प्लस देखने को मिलेगा। वरना जितना भी आपने टाइम वो खेला है 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट तो वो आपका पूरा टाइम ऑलमोस्ट बर्बाद ही जाएगा। बाकी सारे पेयर पुश ID मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और ये मैं मेन ID से अपना रैंक पुश कर रहा हूँ। क्या मैं डुओ के अंदर करूँ या फिर सोलो के अंदर मैं रैंक पुश करना चालू करूँ वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी किसी बंदे को रैंक पुश करवाना हो या वो तो डिस्क्रिप्शन में अपना ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है। अब इस बंदे को तो बहुत आराम से नॉकआउट कर देते हैं, पर ये अकेला ही होता है, इसको फिनिश करते हैं और थोड़ा बहुत काम का सामान उठाते हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं जोन के लिए। बाकी आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। और रिकॉर्ड जाने में भी कुछ मिनट होता है तभी अपन को नीचे से यहाँ पे साउंड आता है। जो बंदे जोन के बाहर यहाँ पे याचनाएं लूट रहे थे तो फटाफट हम लोग गाड़ी घुमाते हैं और इस टीम के ऊपर अभी के लिए हम लोग रश कर देते हैं। अब इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फटाफट रश करता हूँ, तो अभी इसका दूसरा बंदा आता है और जो पहला बंदा था वो अभी के लिए कवर में जा चुका था। अब इसको फटाफट नॉक करता हूँ। अब बारी थी सेकंड बंदे की, मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ तभी जो टीममेट होता है वो एंगल निकाल के इस बंदे को बहुत ही आराम से फिनिश कर देता है। अब अपना न्यू अपडेट भी आने वाला है 3.0 का, उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए पहले इसे का अपडेट में क्या क्या है तो वो भी यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में ला दूंगा, बस आप लोग मेरे को कमेंट कर दिया करो। अब हम लोग जोन में जाने लगते हैं, क्योंकि जो अपन की घोड़ागाड़ी होती है भाई वो छत के ऊपर ही फंस चुकी थी और काफ़ी देर जोन में जाने के बाद यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है जो पता नहीं क्या ही कर रहा था। इसको नॉक करके मैं ज़्यादा ही ओपन में था तो सबसे पहले कवर में जाता और उसके बाद इस बंदे को फिनिश करूंगा। अब मेरे ख्याल से ये बंदा सिंगल ही था तो इसको अपन फिनिश करता हूँ। सीधा यहाँ से निकल जाते हैं जोन के लिए और लकीली आगे गराज होता है तो अपन को यहाँ पे व्हीकल देखने को मिल जाती है। फटाफट व्हीकल उठाते हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं जोन के लिए। अब जोन आगे वाले कंपाउंड में था तो हम लोग वहीं पर जाने लगते हैं, तो अभी एक बंदा और स्पॉट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपन में। अब नो आइडिया ये बंदे इतना ज़्यादा ओपन में क्या कर रहे थे, तो अभी के लिए हम इन बंदों पर यहाँ पर रश कर देते हैं। अब जैसे ही इस बंदे को फिनिश करता हूँ फटाफट व्हीकल उठा के कवर में जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन में थे और ऐसी जगह पे हीलिंग करना या फिर काम की चीज़ उठाना एक मतलब टाइम बर्बाद ही हो जाएगा अपन का। अब जैसे ही जोन में आते हैं यहाँ पे कंपाउंड चेक करते हैं, कोई भी बंदा तो स्पॉट नहीं होता तो फटाफट हीलिंग कम्प्लीट करते हैं। जब तक आप लोग भी जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। अब यहाँ पे मैं छत के ऊपर चढ़ता हूँ, क्योंकि राइट वाले स्क्वाड हाउस से काफ़ी देर से फायर का साउंड आता है बंदे स्पॉट करने के लिए। अब बंदा तो स्पॉट नहीं होता, काफ़ी देर हो जाता है तब यहाँ पे एक बगी का मेरे को साउंड आने लगता है। बगी आ रही है। साइज से इस बग्गी वाले बंदे के यहाँ पे पिंगा ही होता है जिसके चक्कर में एग्जिट नहीं कर पाता है, पर इसको बहुत ही आराम से यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ। स्क्वाड हाउस में अभी अलग बंदे थे जहाँ पे मैं देखने लगता हूँ, तब यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है जो नॉकआउट पर होता है, तो सबसे पहले इसका किल उठाते हैं और वहाँ पर जो बंदे उन पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा ध्यान देखता हूँ, पर वो बंदे पीक नहीं करते और वहीं पर काफ़ी देर होल्ड करने लगते हैं। तभी देखो यहाँ पर अचानक से टीम का रश आता है, जो बंदे घोड़ा गाड़ी लेकर डायरेक्ट हमारे ऊपर यहाँ पर रश कर देते हैं अभी के लिए।
और जब बंदे हिरन से आते हैं तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत ही कम आता है। इस वजह से ये बंदे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच चुके थे। सबसे पहले मैं थ्रो बस का यूज़ करता हूँ, टीममेट से भी वही कहता हूँ, तभी देखो क्या सीन होता है अभी के लिए। अब एक बंदे को नॉकआउट करता हूँ, अब बचा था सिर्फ लास्ट बंदा। टीममेट्स कहता भाई तू लेफ्ट से एंगल बना, मैं राइट से इस बंदे को देख रहा होता हूँ। पर तभी देखो यहाँ पे एक टीम और रश कर देती है जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करी कर देती है। टीममेट नॉकआउट हो जाता है। और अब सारी सिचुएशन मेरे ऊपर आ चुकी थी, 1v1 फाइट लेना था। सबसे पहले कवर में जाता हूँ, उस बंदे को डैमेज देता हूँ और वो बंदा भी थोड़ा सा ऑलरेडी डैमेज होता है। कहीं ना कहीं फ़ोन भी मेरा लैग करना चालू हो चुका था। अब इस बंदे ने अच्छा खासा डैमेज दिया था, यहाँ पे होल्ड करता हूँ, थोड़ा सा प्री फायर मारता हूँ और तभी देखो बंदा आता है, डैमेज हो जाता है। अब मेरे को पता था अब से इसको बहुत ही आराम से फिनिश कर देंगे, पर यहाँ पे सामने से बंदा मारा था जो मैं ध्यान नहीं दे सका था, मतलब ध्यान नहीं दे पाया था, उसके चक्कर में ये बंदा मेरे को पीछे से फिनिश कर देता है। बाकी इतनी थी वीडियो गाइस, हो सके तो थोड़ी सी वीडियो छोटी रह जाए, क्योंकि कल के टाइम में बिल्कुल भी गेम प्ले नहीं खेल पाया था, फटाफट रिकॉर्ड किया, एडिट किया और वॉइस ओवर किया। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।